हेलो स्टूडेंट्स, बाय स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ड्रग्स व अल्कोहल कुप्रयोग के बारे में स्टडी करेंगे। ड्रग्स और अल्कोहल का युवाओं में जो बढ़ता हुआ नशा है, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी ड्रग्स कौन सी है अल्कोहल के रूप में जो कई रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे ओपियोइड्स, अफीम जिसका दूसरा नाम है अफीम। अफीम क्या होती है बेटा? अफीम होती है अपरिपक्व फल, पेपेवर सोमिनीफेरम के नाम से इसका बोटेनिकल नेम है। अफीम को स्मैक या हेरोइन के नाम से भी जाना जाता है। यह रासायनिक रूप से एसिटाइल मॉर्फिन होता है। सफेद, गंधहीन, तीखा और रवेदार होता है। कई व्यक्ति इसको नाक के द्वारा और सांस के साथ और टीके के द्वारा भी ग्रहण करते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है बेटा, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पथ होता है, यानी कि जो स्टोमक आहार नाल होती है हमारी, स्टोमक का रीजन, इसको ये संदमित कर देता है, यानी कि इसके एक्टिविटीज को कम कर देता है। इस तरह से ये जो अफीम होता है, ये व्यक्ति को एक नशे का आदि बनाता है। शारीरिक क्रियाओं को धीमा कर देता है और व्यक्ति की गतिविधियों को अफेक्ट। ये कच्चे फल होते हैं, यानी कि अपरिपक्व फल होते हैं अफीम, पेपेवर सोमिनीफेरम के, इनसे अफीम प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। ओपियोइड्स के अलावा कई ऐसी चीजें जो कि नशे के रूप में यूज ले रहे हैं। नेक्स्ट है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स जिसे भांग के नाम से जाना जाता है, आम भाषा में इसको भांग कहा जाता है। ये कैनाबिस सैटिवा की पुष्प क्रम, पर्ण और रेजिन से प्राप्त होती है। इसके पुष्प, सीड्स, पर्ण, रेजिन का अलग अलग मात्रा में उपयोग किया जाता है, जिनसे मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा इस तरह का बनाया जाता है, जो कि नशे का आदि बना देता है व्यक्तियों को। इसको सांस के साथ या धूम्रपान से या चबा करके इस्तेमाल किया जाता है। ये मस्तिष्क और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी कि व्यक्ति को नशे का आदि बनाता है। इस तरह से ये जो भांग है, इस भांग लेने के बाद व्यक्ति किसी प्रवृत्ति में घुस जाता है, तो उस प्रवृत्ति के पीछे उसी तरह की एक्टिविटीज करना चालू कर देता है। तो ये कैनाबिनॉइड्स क्या होती है? ये भांग होती है जो कैनाबिस सैटिवा से प्राप्त होती है, पुष्पक्रम, पर्ण और रेजिन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कोका एल्कलॉइड्स। कोका एल्कलॉइड्स जो कि एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है, कोकीन के नाम से फेमस है बेटा। ये कोकीन बोलते हैं, जो कोकीन का नाम आपने सुना होगा, कोकीन, स्मैक, ये सारे नशीले पदार्थ होते हैं जिससे युवा काफी ग्रसित हो जाते हैं, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाली चीजें होती हैं। कोकीन कोक या क्रैक के नाम से जाना जाता है। सांस के साथ इसको खींचा जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उद्दीपित करता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे स्फूर्ति का अनुभव हो रहा है, स्फूर्ति का अनुभव होता है, और इसके अधिक सेवन से विभ्रम, हेलुसिनेशन उत्पन्न हो जाता है, यानी व्यक्ति ताजगी महसूस करने लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर के परिवहन में अवरोध उत्पन्न करता है, और व्यक्ति इसमें घिरता जाता है, लिप्त होता जाता है, स्फूर्ति अनुभव होती है, इसलिए जरा सी परेशानी में व्यक्ति इसको लेने लगता है। चलिए देखते हैं निकोटीन एल्कलाइड की बात करें तो निकोटीन तंबाकू से प्राप्त होता है। निकल नेम है निकोटीन नामक एल्कलाइड इसमें पाया जाता है। तंबाकू का किस तरह से सेवन किया जाता है? तंबाकू को कई लोग सूंघ करके, चबा करके, धूम्रपान के साथ में सेवन करते हैं। निकोटीन जो
हमारी अधिवृक्क ग्रंथि है इसको एड्रिनलिन व नॉर एड्रिनलिन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है। धूम्रपान के साथ इसको लेने से व्यक्ति में गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग, इस तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। विभ्रम उत्पन्न करने का गुण धतूरे में और एट्रोपा बेलाडोना का आपने नाम सुना होगा इसमें भी पाया जाता है। कई मानसिक व्याधियों के इलाज में इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बर्बीयूरेट, एम्फेटामिन, लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड जिसको LSD कहा जाता है। बेटा ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है LSD का पूरा नाम बताइए, और LSD का पूरा नाम आपको याद रखना है लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड। ये औषधि के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो निकोटीन एल्कलाइड के बारे में आपको बताना है कि ये तंबाकू या निकोटियाना टैबेकम में निकोटीन नामक एल्कलाइड पाया जाता है। सूंघकर, चबाकर, धूम्रपान के रूप में इसका व्यक्ति सेवन करते हैं। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन स्रावित करने के लिए हमारी अधिवृक्क ग्रंथियों को निकोटीन अधिवृक्क और अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। कई तरह की बीमारियां इससे हो सकती है, जैसे गले का कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है, सांस की दिक्कत है, ब्रोंकाइटिस है, हृदय रोग है, इस तरह के रोग इसमें उत्पन्न हो सकते हैं। तो यह है निकोटीन के सेवन से, निकोटीन एल्कलाइड के सेवन से युवा जो पीढ़ी है जो ग्रसित हो रहे हैं, ये निकोटीन एल्कलाइड के नुकसान। चलिए देखते हैं कि किशोर अवस्था और ड्रग और अल्कोहल, यानी कि किशोर अवस्था में ड्रग और अल्कोहल की क्या स्थिति है। बेटा 12 से 18 वर्ष की आयु की अवधि, 12 से 18 वर्ष की आयु की अवधि किशोर अवस्था कहलाती है। किशोरों की जो प्राकृतिक जिज्ञासा है, इस कंडीशन में क्या करते हैं, ड्रग्स और अल्कोहल का प्रयोग की ओर ये अग्रसर होने लगते हैं, और अपनी छोटी छोटी समस्याओं से बचने के लिए ये क्या करते हैं, ड्रग्स का, अल्कोहल का, यानी नशे का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसके कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से किशोर इनका उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि पारिवारिक अस्थिरता है, गरीबी, अच्छी संगत का नहीं होना, ये इसके कारण हो सकते हैं। किशोरावस्था एक ऐसी उम्र है जहाँ ये संगत या मित्रों के, अच्छे मित्रों का अभाव व्यक्ति को नशे की ओर ले जाता है, और बार बार व्यक्ति इनके संपर्क में आने से व्यक्ति इन पर डिपेंड रहने लगता है। तो कई जो है कुप्रयोग है इसके, किशोरावस्था और ड्रग एल्कोहल के कुप्रयोग के बारे में इफेक्ट आप इसके देखिए कितने घातक प्रभाव व्यक्ति को। चलिए देखते हैं ड्रग्स या अल्कोहल के कुप्रयोग के क्या प्रभाव है। बेटा इससे व्यक्ति कई जो है बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जैसे मस्तिष्क रक्त स्राव, मृत्यु, श्वसनपात, हृदयपात, इस तरह की रोगों से ग्रसित हो जाता है। अकेलेपन में जीने लगता है व्यक्ति, अवसाद ग्रसित हो जाता है, आक्रामकता यानी कि चिड़चिड़ापन आने लगता है, कई उल्टे कार्य सीख जाता है जैसे कि चोरी करना, संक्रामक रोगों से ग्रसित हो जाता है। यदि गर्भवती स्त्री इसका सेवन करती है तो शिशु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्टेरॉइड्स लेने से उल्टे इफेक्ट होने लग जाते हैं। उल्टे इफेक्ट किस तरह से, जैसे कि यदि कोई स्त्री स्टेरॉइड्स लेती है तो उसके लक्षण पुरुष के जैसे आने लगते हैं। इसी तरह से पुरुष के द्वारा यदि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है तो इन स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से उनमें भी स्त्री जैसे लक्षण आने लगते हैं। व्यक्ति की कार्यस्थल पर कार्य की प्रवृत्तियां कम होना, इसके अलावा समय से पूर्व लक्षण प्रकट होना जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरह से बहुत फिजिकली अनफिटनेस आने लगती है इन एल्कलाइड्स से, स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से। यह है इसके अल्कोहल और
चलिए, ड्रग्स और अल्कोहल के कुप्रयोग के प्रभाव हमने देखे कि व्यक्ति किस तरह से इनसे अवसाद ग्रसित आक्रामकता की ओर अग्रसर होने लगता है, इनके रोकथाम और नियंत्रण के क्या उपाय हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि इनकी रोकथाम कैसे की जाए, नियंत्रण कैसे किया जाए। अनावश्यक दबाव से व्यक्ति को दूर रखा जाना चाहिए, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए व्यक्ति पे, क्योंकि प्रेशर से तनाव होता है और तनाव से व्यक्ति नशे की तरफ जाता है। समस्याओं को परामर्श के द्वारा सुलझाएं, जो समस्या यदि किसी प्रकार जीवन में आने वाली कोई भी समस्या हो उसका उचित मार्गदर्शन किया जाए और समस्या को परामर्श के द्वारा सुलझाएं तो व्यक्ति इन चीजों से दूर रह सकता है। शिक्षा की कमी, जागरूकता, ये भी ऐसे कारण है जिनकी वजह से व्यक्ति नशे में लिप्त होता है, तो जागरूकता के प्रोग्राम्स कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। उचित मार्गदर्शन शिक्षकों के द्वारा, परिवार के द्वारा, मित्रों के द्वारा, सही गाइडलाइन जरूरी है। चिकित्सा सहायता लेना, कई बार व्यक्ति नशे में चला जाता है, नशा करने लगता है, तो उसको चिकित्सा सहायता दे करके इन चीजों से दूर रखा जाए। व्यक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगावें, मेन मुद्दे की बात करें तो व्यक्ति को रचनात्मक कार्यों में यदि लगा दिया जाए तो वो अपनी क्षमताओं का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर पाएगा, जैसे कि खेल कूद है, अध्ययन है, कई रचनात्मक कार्य हैं। यदि ये रचनात्मक कार्यों में लग जाता है व्यक्ति तो निश्चित रूप से इन चीजों से दूर रखा जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कक्षा 12 के आपके क्वेश्चन आंसर इस टॉपिक से संबंधित आते हैं तो आपको अच्छे से करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।